Of length, x unit and y ंगल नाइन डिग्री एट सेंटर ऑफ ए सर्कल रिस्पेक्टिवली सर्कल है जिसका सेंटर है C और आपके पास दो है, एक रहा ए बी जिसका लेंथ आपको गिवन है वाई और दूसरा डीई e, जिसका लेंथ आपको गिवेन है तो आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि किसी भी सर्किल में अगर सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है तो मान लो ये पॉइंट है F और ये पॉइंट है G। तो इस केस में DF का वैल्यू कितना हो जाएगा DF का वैल्यू हो जाएगा सिंपली एक्स बाई टू और GB का वैल्यू कितना हो जाएगा यह जीबी हो जाएगा आपका वाई बाई टू नाउ अगेन ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि एक्स सिक्सटी डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है तो यहां पे डी सी एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा सिंपली ये थर्टी डिग्री अगर ये थर्टी है तो ये नाइन्टी है तो इस केस में ये कितना हो जाएगा सिक्सटी डिग्री और आपको ये गिवन था कि यह नाइन्टी डिग्री होगा तो फिर ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा ये हो जाएगा फोर्टी फाइव डिग्री तो हम दो केसेस देखेंगे फर्स्ट एंगल डी सी एफ में कॉस सिक्सटी डिग्री इज्कुल टू हम क्या लिख सकते हैं इस वाले एंगल के लिए कॉस लगा दिया तो लिख सकते हैं हम डी एफ और हाइपोटेस का वैल्यू क्या हो जाएगा डी सी तो डी एफ का वैल्यू कितना था ये था x बाई टू और डी सी क्या है डीसी तो रेडियस ऑफ द सर्किल है तो इसको मान लो आपने R तो यहां से R का वैल्यू आपको मिल जाएगा एक्स बाई टू इन टू कॉस सिक्सटी डिग्री ये रहा क्वेश्चन नंबर वन सेकेंड केस में हम में देखेंगे ये भी एंगल कितना हो जाएगा ये भी फोर्टी फाइव डिग्री है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉस फोर्टी फाइव डिग्री इज इक्वल टू बेस तो ये कौन सा है जीबी और डिवाइडेड बाई तो वो कितना हो जाएगा आर तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आर का वैल्यू जी बी जी बी का वैल्यू कितना था ये था वाई बाई टू और इंटू क्या हो जाएगा कॉस फोर्टी फाइव इक्वेशन नंबर टू यहां से आर और यहां से आर दोनों रेडियस ऑफ द सर्किल है तो दोनों क्या होंगे आपस में ये इक्वल होंगे तो यहां से आप लिख सकते हो एक्स बाई टू इंटू कॉस सिक्सटी डिग्री इज इक्वल टू वाई बाई टू इंटू कॉस फोर्टी फाइव डिग्री यहां से फिर से आप लिख सकते हो एक्स बाई टू इंटू कॉस सिक्सटी का वैल्यू कितना होता है ये होता है सिंपली वन बाई टू और वाई बाई टू इन टू कॉस्ट फोर्टी फाइव कितना था वन बाई रूट टू टू से ये टू कैंसिल और रूट टू से ये रूट टू टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो यहां से आपको मिल जाएगा वाई इजल टू रूट टू एक्स दैट इम्प्लाई ऑप्शन नंबर डी सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड्स